रणमुरीत बनने का प्लान? नहीं ये आपने क्वेश्चन क्यों किया? नहीं मैं काफी लोगों को देखती हूँ ना, ये ज्यादातर ना आंटीज वगैरह क्वेश्चन करती हैं सीरियसली। रणमुरीत? हाँ तो रणमुरीत ना आंटीज करती हैं, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपसे कि आप भी करेंगे। मैंने बड़े लोगों को देखा ना रणमुरीत में। ये बुरा काम है? काम अच्छा है आपका काम जी बड़ा अच्छा है। नहीं नहीं इतना आप जो कह रही ना, आपने ये ज्यादा ना आंटीज क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे एक्सपेक्टेशन सीरियसली नहीं थी। मैंने कहा आप पूछ लिया। हाँ अगर मैंने पूछ लिया तो क्या होगा? तो आप समझे मैं आंटी हूँ। काफ़ी है। तुम क्या जानो एक तरफा मोहब्बत का मज़ा, तुम क्या जानो एक तरफा मोहब्बत का मज़ा, ये वो मेहनत है जो हम बेकार किया करते हैं। ये वो मेहनत है जो हम बेकार किया करते हैं। यार जब 2 साल आपने गुजार लिया, आपको यहाँ तक नहीं पता चला कि वो अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा था या नहीं था? हाँ 2 साल गुजार, 2 साल कैसे गुजारे? और 2 साल गुजारने के बाद वही आगे मैं क्या कहूँ, वो जो लड़की थी वो अगली किसी और के साथ यार ये मोहब्बत नहीं होती, ये टाइम पास होता है। वो कहते हैं मोहब्बतों में ये इम्कान थोड़ी होता है, मोहब्बतों में ये इम्कान थोड़ी होता है, किसी को भूलना आसान थोड़ी होता है, मुझे आपसे मोहब्बत है और कितनी है, हर एक बात का आलान थोड़ी होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नुमान। नुमान क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? BBA कर रहा हूँ। कहाँ से? UCP से। UCP, ओ बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। आप भी जान गई हैं। हेड ऑफिस टिकटॉकर्स। आपने आप भी ट्राई करें एक दफ़ा। UCP? आप वहाँ पर टिकटॉक्स बनाते हैं? नहीं नहीं मैं नहीं बनाता। क्यों? वैसे शौक नहीं है। जो टिकटॉक्स बनाते हैं उनको देखते हैं? एक दो दफ़ा देखा बस। इन्जॉय करते हैं? बोरिंग सा लगता है बस देख के। देख के बोरिंग सा लगता है? क्यों? क्यों? एक्चुअली वहाँ पर ना इनको कोई नहीं मुँह लगा रहा, तो सीरियसली आप जाके देखेंगे ना ये अपने टिकटॉक बनाने लगे हैं कुछ टिकटॉकर्स मिलके। जिनको कोई मुँह नहीं लगाता वो UCP चले जाते। नहीं नहीं UCP का मेरा मतलब मैं कह रहा हूँ जो टिकटॉक वहाँ बना रहे थे वहाँ कोई नहीं जानते एक दूसरे कौन ये कौन बना रहा है कौन नहीं। अगर आप किसी टिकटॉक को जानते भी हो, कोई टिकटॉकर हो उसको जानते हो, तो आप इग्नोर करेंगे या उसके साथ फोटो शोटो लेंगे? सीरियसली मैंने इग्नोर किया, मैंने कोई नहीं टिकटॉक किया। किस किस को देख कर इग्नोर किया? शिमजे हो गई और एक और दो थे, एक जो न्यू है पता नहीं लड़का नाम नहीं आ रहा, वो भी टिकटॉक बना रहे लेकिन मैंने किसी को नहीं कहा। आप देखते हैं तो आपको पता है ना, मतलब कि एक दो मैंने टिकटॉक्स पे देखा इनको, इनके बाद मैंने वो अपना टिकटॉक का डिलीट करके दोबारा किया तो इनकी वीडियोस नहीं आती, सीरियसली नहीं आती। मैं ये आप देख भी सकती हैं टिकटॉक की वीडियो नहीं आएगी उनकी। अच्छा क्या बनने का प्लान है फ्यूचर में? अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। किस चीज़ का बिजनेस? अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, इनोवेशंस ले आएंगे, उस टाइम कौन सी प्रोडक्ट या किसकी डिमांड है, कौन से मुझे गैप्स लग रहा है वो मैं लॉन्च कर दूंगा। आजकल तो वैसे ज़्यादा स्किन एंड हेयर। हाँ वो अब आगे बता, आगे 5 ईयर्स बाद चेंज हो जाती हैं। अपने बिजनेस आफ्टर 5 ईयर्स स्टार्ट कर, क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ ना, तो उसके बाद अपना मैं क्या स्टार्ट करूँगा, मुझे किस चीज़ का ब्रांड ओपन करना चाहिए कौन सा नहीं। जैसे हो गया फ्रेगनेंस का ब्रांड, वो तो चलता रहेगा अभी आगे तक। तो इश्क हुआ है कभी? नहीं अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ? UCP में रह के तो मैं अभी तक इश्क नहीं हुआ। सीरियसली आप जाके खुद देखेंगे, आप खुद मुंह मोड़ के आ जाएंगे। इतनी बुराई है वहाँ? नहीं बुराई नहीं, मतलब जो आप इश्क इतना नहीं है, ये नहीं होता किसी ने मेकअप वगैरह किया या कोई भी आपके एक नज़र भागी है या अच्छी लगी है तो इश्क हो जाता है, इश्क ये नहीं होता। वो कहते हैं इश्क क्या है? वो कहते हैं मोहब्बतों में ये इम्कान थोड़ी होता है, मोहब्बतों में ये इम्कान थोड़ी होता है, किसी को भूलना आसान थोड़ी होता है, मुझे आपसे मोहब्बत है और कितनी है, हर एक बात का आलान थोड़ी होता है। हाय हाय। उस तरह की मुझे मिली नहीं है कि मोहब्बत बंदा की जाए। या फिर ये मोहब्बत वाली पोइट्री कहाँ से जागी है? ये वो देख के उनको जागी, यार उनको देख के हुआ नहीं तो मतलब वैसे ही शेर शायरी कर रहे। आप देखेंगे ना सीरियसली कुछ हो सकता है कि कोई 5% अच्छे हो, दिल को अच्छे लगे, बाकी 95% आपको देख। नहीं ऐसा तो नहीं है, जो तुम्हें अच्छे लगते हो तो मैं मुँह नहीं लगाते। आप मेरे साथ दो दिन जाए आप खुद पहचान लेंगे। नहीं 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 मैं कह रहा हूँ आप 2 दिन मेरे साथ रहे ना आप खुद मेरे से वो। मुझे तुम्हारे साथ 2 दिन रहने का क्या सवाब है? तो जब आप मुझे पूछ रहे कि मुँह नहीं लगा रहे वही बात करूँ, आप जान जाएंगी ना, होता ना पर्सन किसी के साथ रहता है उसको जान जाता। आप 2 दिन गए वैसे 1-2 दिन गए आप खुद कहेंगे नुमान आप खुश मिजाज हो। नहीं वैसे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह या बातचीत करने में हम अंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाती है। अपने आप को आप इस टाइप का अच्छा समझते हैं? हूँ तो अच्छा समझ रहा हूँ। अच्छा उसने माना है कि मैं अच्छा हूँ? नहीं अगर नहीं होता तो मैं अगला मुझे ना समझता अच्छा। क्या बच्चे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने जितना रखा है। अच्छा अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे? सीरियसली मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूँगा। तोहमत नहीं लेना चाहते? नहीं 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 वो तोहमत नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस टाइप की बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि अगर कोई दरियाए फरात के करीब कुत्ते का प्यासा भी बच्चा प्यासा मर जाए तो उमर भी उसका हिसाब देगा।
या एक दफ़ा उनका पुल टूट गया तो उसके अंदर बकरी का पाँव आ गया, तो वो इतना डर डर के कह रहे थे कि अल्लाह ताला मेरे से ये सवाल करेंगे या उमर तेरी दौरे हुकूमत में बकरी के बच्चे का पाँव टूट गया, वो देखो तुम कुछ ना कर सकते। हाँ तुम कुछ ना, ये वो देखो इतनी उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने लोगों की मदद की है, अब वो कह रहे हैं कि मैं इतना काम करने के बावजूद अगर मेरे से एक काम भी ना हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ इस रिस्पॉन्स। दूर 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 तक वज़ीर आज़म बनने का कोई चांस नहीं है नुमान का। नहीं नहीं मैंने कोई नहीं बनना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके मुताबिक ज़्यादा हो जाती है, फिर आपको फॉर एग्जांपल आप इतने बड़े कंट्री को करना है आपने चलाना तो वो आपको मुश्किल होता है इस वजह से। अच्छा शादी का क्या प्लान है, कब तक करनी है? स्टडी कम्प्लीट करके जब कुछ पहले हो जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं चाहूँगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि जब मुझे कोई पसंद आएगा तो मैं करूँगा ना, या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये क्या खुद का क्या प्लान है, लव मैरिज करनी है अरेंज मैरिज? ये डिपेंड करके अगर कोई अच्छा मिल जाए, कोई प्यारा मिल जाए तो लव मैरिज। अगर अच्छे की नस्बत में सारे बैठे ही रहे तो फिर तो अच्छा। नहीं 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 वो अच्छे के मकसद नहीं होता कि खूबसूरत होनी चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए, बस खूबसूरत वगैरह होगा तो फॉर एग्जाम्पल आगे जाके ये तो नहीं होता कि हर बंदा कुंवारा मरे। तो रणमुरीद बनने का प्लान? नहीं यार आपने क्वेश्चन क्यों किया? नहीं मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ ना, ये ज़्यादातर ना आंटीज़ वगैरह क्वेश्चन करती सीरियसली। रणमुरीद? हाँ तो रणमुरीद ना आंटीज़ करती, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपसे कि आप भी करेंगे। मैंने बड़े लोगों को देखा ना रणमुरीद में। ये बुरा काम है? काम अच्छा है। आपका काम जी हो रहा है अच्छा। नहीं नहीं इतना आप जो कह रहे हैं ना, आपने ये ज़्यादातर ना आंटीज़ क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे एक्सपेक्टेशन सीरियसली नहीं थी, मैंने कहा पूछ लिया। हाँ अगर मैंने पूछ लिया तो क्या होगा? तो आप समझे मैं आंटी हूँ। अच्छा क्या सुना सकते से बेहतर? एक और पोइट्री की लाइन हो जाए, वो क्या नाम था उसका, उसका नाम सोच लो ना कौन सी वाली। मैंने ज़्यादा पोइट्री से याद है तो आपको वो ज़्यादा नहीं ना सुना सकता। एक तरफा मोहब्बत पे एक शेर है, बड़े लोग एक तरफा मोहब्बत का शिकार होते हैं, तुम क्या जानो एक तरफा मोहब्बत का मज़ा, तुम क्या जानो एक तरफा मोहब्बत का मज़ा, ये वो मेहनत है जो हम बेकार किया करते हैं, ये वो मेहनत है जो हम बेकार किया करते हैं। आपने बेकार कर ली। मैंने मोहब्बत ही नहीं की एक तरफा, इसलिए तो मैं आपको पहले कर दी ना। हाँ वो शेर सुन ले जो कहते हैं ना एक तरफा मोहब्बत में बहुत मज़ा है, उनके लिए ये लाइन है। कभी एक तरफा मोहब्बत हुई है? अच्छा लगा रिस्पॉन्स ना आया हो? बस वो 1-2 hours के लिए अच्छा लगा, उसके बाद में ये मोहब्बत नहीं होती सीरियसली। मैं आपको पहली बात की है, मोहब्बत ये नहीं होती 1-2 years के लिए, मोहब्बत होती है कि आप उसके बगैर रह ना सके। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से कहीं और मोहब्बत तो ना इश्क हुआ, इश्क पहले मोहब्बत फिर इश्क, आपसे वो दूर स्टेजेस है। आप फॉर एग्जांपल दूर अगर कि आप मैं फॉर एग्जांपल किसी को पसंद करते हो थोड़ा दूर हो जाए, मैं उसके बगैर रह ना सकूँ। इतना एक्सपीरियंस है, कुछ तो हुआ है। नहीं नहीं एक्सपीरियंस है लोगों का प्रैक्टिकली देख के ना, मैं सीरियसली वहाँ दोस्तों को देख कर सीरियसली उनका दो साल का एक्सपीरियंस देखा है, उसके बाद अगले ने छोड़ दिया। मैं खुद हैरान हूँ, 2 years का एक्सपीरियंस, बाद में अगला पर्सन कहता है मुझे अच्छा नहीं लगा। यार जब 2 साल आपने गुजार लिया आपको यहाँ तक नहीं पता चला कि वो अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा था या नहीं था? हाँ 2 साल गुजार, 2 साल कैसे गुजारे? और 2 साल गुजारने के बाद वही लड़की, मैं क्या कहूँ, वो जो लड़की थी वो अगली किसी और के साथ, मैंने यार ये मोहब्बत नहीं होती, ये टाइम पास होता है। चले जी गपशप करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।